नाच दिखाओ नाच दिखाओ ओके तो दोस्तों, इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। दोस्तों अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने पिन करके रखा है। और दोस्तों इसमें जो भी फोटो वगैरह यूज होने वाला है, या फिर आप अपना फोटो या फिर किसी और का फोटो लगा करके इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के यहाँ से आप फोटो को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर मैं फोटो भी प्रोवाइड करता हूँ। ओके सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना जो अलाइट मोशन है इस प्रकार से ओपन कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना है, क्योंकि दोस्तों हम आप के लिए इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो सिखाते हैं और सिखाते रहेंगे। सो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल देखने को मिल जाएगा, सॉम्बिट मार्क और सेक इफेक्ट, तो दोनों को आपको डाउनलोड करना है। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके नीचे आपको हाउ टू डाउनलोड नाम का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अपना लाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो दोस्तों प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको सॉम्बिट मार्क और शेक इफेक्ट नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसे जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको इसका XML फाइल चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉम्बिट मार्क और शेक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम सॉम्बिट मार्क इस प्रकार से क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको इस कुछ प्रकार का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप बना पाएंगे, नहीं तो आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ओके सो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है इस प्रकार से। ओके और दोस्तों मीडिया पर जाना है, आप जिस भी फोटो को आप क्रिएट करना चाहते हैं आप इस वीडियो को, तो आपके अपने गैलरी में क्लिक करके जो भी आप फोटो आप यहां पर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं इस फोटो को लेता हूं और थ्रेड पे क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देते हैं, और मूवमेंट टास्क पर जाने के बाद ये जो आपका दिख रहा है सर्कल, इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से बीच में सेलेक्ट कर लेंगे। और दोस्तों एरो पे क्लिक करके जो आपका नेक्स्ट बीट है इस पर क्लिक करके जो आपका ये मार्क है यहाँ तक आपको इसको मिला देना होगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ ग्रुप क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको अपना फोटो कैसे अटैच करना है उसके लिए कैसे आपको बैक कर लेना है, और यहाँ पर आपको होम पेज पर आ जाना है। और दोस्तों प्लस पे क्लिक करना, जो आपका 9 to 16 इशू दिख रहा है इस पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करके आपको मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद आपको जो भी फोटो आप लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। इस फोटो को लगाने के बाद आपको थ्रेड पे क्लिक करना है, फुल स्क्रीन पे क्लिक करके आपको इसको कम से कम 7 to 8 फोटो को इमेजेस को आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको करंट फ्रेम पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करके आपको अपने गैलरी में कम से कम 7-8 फोटो को रख लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर रख चुका हूँ, तो जो फोटो हमारा सेव हो चुका है। ओके तो दोस्तों 7 to 8 फोटो को कन्वर्ट कर देने के बाद आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर जब अभी यहाँ पर आपका दिख रहा है प्रोजेक्ट इस पर क्लिक करके आपको इसे इस प्रकार से डिलीट कर देना है, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको फिर से आपको सॉम्बिट मार्क पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। अभी कैसे इस पर इफेक्ट भी लगाना बाकी है, तो वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए। सो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से कुछ ग्रुप क्रिएट हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एडिट ग्रुप पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है, और यहां पर आपको कुछ प्रकार का दिख जाएगा, पिंक दिख रहा है, तो जहां जहां पिंक है सभी पर आपको अपना फोटो अटैच करना है, जो भी आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं इजीली।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर पिंक पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर जाना है, स्टाइल आइकन पर क्लिक करके आपको जिस भी गैलरी में अपना फोटो रखे रहेंगे, अभी आप जो फोटो कन्वर्ट किए थे 9:16 वाला इमेज तो वहाँ पर आपको यही वाला इमेज लगने वाला है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इमेज कन्वर्ट करके रखा है, तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर क्लिक करके और प्लस पर क्लिक करके यहाँ पर मैं फोटो को अटैच कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा जो इमेज है ये कन्वर्ट हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये लाइटिंग दिख रहा है, इसका कलर आप चेंज करना चाहते तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, और इमेज पर क्लिक करके और सॉरी इफेक्ट पर क्लिक करके आपको नीचे इलेक्ट्रो दिख रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको दिख जाएगा कलर। तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इजिली, आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी आपका मार्क दिख रहे हैं सभी जगह आपको फोटो को अटैच कर लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको बैक कर लेना है, बैक करने के बाद जो आपका एक ग्रुप है थोड़ा सा आपका भाग जाएगा पीछे की तरफ, तो क्या करना है आपको ये जो दिख रहा है बीट पर क्लिक करके आपको आगे आना है, और ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है ठीक है इस ग्रुप पे क्लिक कर लेना है, और जो आप देख रहा है इस पर क्लिक करके इस ग्रुप को यहाँ तक आपको मिला लेना होगा। ओके, तब आपका जो यहाँ तक आपका मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है जो इफेक्ट वगैरह, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा सब आपको बताते हैं स्टेप बाई स्टेप, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रही है। तो जो आपका सबसे फर्स्ट आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। ओके, आपको लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कॉपी लेयर कर लेना है इस प्रकार से, और जो बीट आपका दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपको प्लस पे क्लिक कर देना है ठीक है, और पेस्ट पे कर देना है, फिर से आपको पेस्ट पे इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है। कम से कम आपको दो लेयर बनाना है तभी आपको इस पर क्लिक कर देना है, किसी भी लेयर पे आप क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको इस प्रकार से आपको इसका जो इसको इस तरह से ऊपर की तरफ मूव कर देना है ठीक है। अभी गाइस यहाँ पर एक और को करना है, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे और इसको भी इस तरह से हम ऊपर की तरफ ले आके मूव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका जो दिख रहा है बीच में ठीक है, इसको आपको बीच में इस तरह से आपको सेट कर लेना होगा, तो हमारा जो है इस प्रकार से ये सेट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है पिंक वाला, तो इसको भी आपको करना है, तो इसको भी आपको क्लिक कर लेना है और लेयर पे क्लिक करके कॉपी लेयर पे इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और दोस्तों एरो पे क्लिक करके आपको बीट पर आना है, फिर आपको लेयर पे क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप इसका भी आपको 3 पेस्ट करना है ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना करने के बाद आपको जो ये वाला दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर इसको इस प्रकार से मूव करना है कुछ इस तरह से ठीक है, बीच में आपको रखना है। फिर आपको जो नीचे वाला आपको दिख रहा है इस पर भी आपको क्लिक करना है, इसको भी आपको ऊपर ले जाके आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से सेट कर लेना होगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर जो हमारा ये इस तरह से सेट हो गया। अभी गाइस इसमें आपको फोटो को लगाना है, जो आपने अभी 9:16 का जो फोटो आपने कन्वर्ट करके रखा था वो आपका इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर जितने भी आपका ये फोटो दिख रहा है पिंक और ग्रीन वाला, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, कलर फिल पर जाना है, इंस्टॉल आइकन पे क्लिक करना है, जो भी आप फोटो आप लगाना चाहिए अपने अनुसार आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे इस फोटो को लगाता हूँ और प्लस पे क्लिक करके इस प्रकार से अटैच कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस जितने भी आपका दिख रहा है आपको सभी जगह पे आपको यहाँ पर जो लाइनिंग है आपका इसमें सेम फोटो रहेगा ठीक है। जो पिंक वाला आपका दिख रहा है यहाँ पर आपको सेम फोटो रहेगा, या फिर आप अपने अनुसार जो भी आप फोटो लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं तीनों को यहाँ पर सेम रखता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पर आपको जो दिख रहा है आपको तीनों यहाँ पर आपको सेम रखना है, जो कि आपका ये पिंक वाला दिख रहा है ना, तो पिंक वाले पर आपको सेम फोटो रखना है और ग्रीन वाले पे आपको सेम फोटो रखना है। तो करंट फील्ड पे जाना है और यहाँ पर आपको पहले मैं आपको बता दिया हूँ, तो यहाँ से आप क्लिक करके आपको जो भी फोटो लगाना चाहिए आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारा जो ये फोटो है लग गया है। तो अभी गाइस यहाँ पर इस ग्रीन वाले पर लगाना है, इस पर क्लिक कर देना है फिर से, और करंट फील्ड पर जाना है और स्टाइल आइकन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर आप जो भी फोटो लगाना चाहिए, जैसे हमारे एग्जाम्पल के थ्रू मैं इस फोटो को लगाता हूँ ठीक है। दोस्तों इसको लगाने के बाद अभी आपको इस जो आपका ये इफेक्ट दिख रहा है इसका जो कलर, इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर इफेक्ट पे क्लिक करना है, पर लास्ट में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रो, इस पर क्लिक करना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। और इसलिए यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये जो कलर है ये चेंज हो चुका है। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है ठीक है, आपको थोड़ा सा आपको आगे जाना है। अभी गाइस यहाँ पर आपको अपना जो फोटो है वो लगाना है, तो यहाँ पर जितने आपको बीट दिख रहे हैं बीट के हिसाब से आपको सभी जगह फोटो को अटैच कर लेना है। इस पर बाद आपको बताऊँगा कि इस पर इफेक्ट कैसे लगाना है। अभी दोस्तों स्टार्टिंग वाला भी इफेक्ट आपको लगाना बाकी है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हमने बीट के हिसाब से सभी जगह फोटो को अटैच कर दिया। अब इस पर गाइस इफेक्ट लगाना है, तो उसके लिए आपको बैक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से सेक इफेक्ट, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इजिली। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फर्स्ट इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, और गाइस पैक करके आपको आ जाना है अपने सॉन्ग बीट मार्क में इस प्रकार से। दोस्तों जैसे आप सॉन्ग बीट मार्क पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फोटो दिख रहा है आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है,
फोटो पे और इफेक्ट पे क्लिक करके और थियड पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट कर लेना है ईजी। और दोस्तों इसको स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा आपको आगे आ जाना है, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला इफेक्ट ये लग चुका है, तो इसी इफेक्ट को आपको कॉपी रहने देना है, थोड़ा सा आपको आगे आना है। यहाँ पर गाइस आप अपने अनुसार यहाँ पर फोटो को अटैच कर लीजिएगा, ओके। तो थोड़ा सा आपको आगे आना है, यहाँ पर अब जो आपका ये वाला फोटो शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर क्लिक कर किसी इफेक्ट को भी आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ये आपका इजीली हो जाएगा। आपको थोड़ा सा आगे आना है गाइस, आपको बैक करके आना है थोड़ा सा सेकंड इफेक्ट में, ओके। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और इफेक्ट पे क्लिक करके थर्ड पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना होगा। और दोस्तों बैक करके आपको आ जाना है अपने सॉन्ग बिट मार्क में इजीली, ओके। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आपको आगे जाना है, स्क्रॉल करके आगे जाना, जो आपका भी यहाँ पर बहुत सारा फोटो शो हो रहा है इस प्रकार से आपको क्लिक कर देना है, ओके। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो आपका ये फोटो शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका इस इफेक्ट के बाद ये जो आपका फोटो शो हो रहा है आपको इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को जो सेकेंड वाला है इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है, जो कि दोस्तों ऑलरेडी मैं यहाँ पर बहुत सारे फोटो पे लगा चुका हूँ, ओके। दोस्तों इतना आपको करने के बाद थोड़ा सा आपको आगे आना होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप आगे सारी इफेक्ट यहाँ पर आपको जितने फोटो दिख रहे हैं ना सभी पर आपको ये वाला इफेक्ट लगाना है जो कि अभी मैंने पेस्ट किया है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो यहाँ तक आपका जो वाला इफेक्ट है 9 से 19 से लेकर 17 सेकेंड तक आपका जो वाला इफेक्ट है लगने वाला है। ये आपका इफेक्ट लग जाने के बाद आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको वहाँ पर इफेक्ट से इफेक्ट में आपको 4थे नंबर 3रे नंबर पर आपको ये वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, ओके। तो इस इफेक्ट को आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, जो कि आपको जो छोटा छोटा आपको बीट दिख रहा है यहाँ पर ये वाला इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को आप यहाँ पर लगा लीजिएगा, फिर इतने आप 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 इफेक्ट लगाने के बाद इसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है, जो आपका 21 सेकेंड आपको दिख रहा है, फिर आपको बैक करके आपको अपने सैक इफेक्ट पर इस प्रकार से ईजिली आ जाना है, फिर लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से आपको ये जो इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, फिर अगर आपको सॉन्ग बिट मार्क में इस प्रकार से ईजिली क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे आपको थोड़ा सा आपको आगे जाना है, ओके। दोस्तों थोड़ा सा आपको आगे जाने के बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना, जो आप 21 सेकेंड आपको मैं बताया था आपको वहीं पर चले जाना है, स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है, जो आपका यह फोटो दिख रहा है यहाँ पर आपका जितना भी फोटो दिख रहा है, ठीक है, आपको फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो ये जो लाइटिंग इस पर शो हो रहा है इसको आपको कहाँ कहाँ कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तभी गाइस इसको आप यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, ओके। तो आपको दो दो फोटो को छोड़ करके लगाना है, जैसे देखिए मैं लगाया हूँ, ठीक है, दो फोटो छोड़ दिया, एक फोटो छोड़ दिया, फिर एक फोटो छोड़ के लगाया, तो ऐसे करके आपको वन बाय वन करके लगाना है सभी फोटो पे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान से स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं। और दोस्तों इस वीडियो को आपको क्या करना पड़ेगा, गैलरी में सेव करना है, तो सेव करने से पहले आपको सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको FPS पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इसको के नीचे आना है और 60 FPS पे क्लिक करके इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है, जो कि दोस्तों बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छे तरीके से सेव हो जाता है। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।